विभिन्नताएं पाई जाती है जिनमें से एक विशेष कैटेगरी होती है दैट इज अल्फा मेल। तो आज मैं आप लोगों से इसी के बारे में बात करने वाली हूं कि अल्फा मेल किसे कहते हैं। अल्फा जो होता है वो वास्तविक रूप में एक एनिमल होता है, एक पशु जो कि दूसरे पशुओं को डोमिनेट करता है, फिर वो चाहे उसके ग्रुप से हो या फिर उसके ग्रुप के बाहर। तो यहां से आप मेरे कहने का मतलब काफी हद तक समझ चुके होंगे कि अल्फा मेल इज अ डोमिनेट मेल। वही झुकेगा नहीं साला। अब देखो, अल्फा मेल होने का मतलब ये नहीं कि अगर वो डोमिनेंट पर्सनालिटी का है तो वो सिर्फ रतन टाटा या अंबानी के घर में ही पैदा हो सकता है अपने पैसों का रोब दिखाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, कुदरत है, कुदरत को कोई चैलेंज कर सकता है क्या? तो इस तरह के व्यक्तित्व के लोग कहीं भी पैदा हो सकते हैं, मतलब मिडिल क्लास सोसाइटी में भी और लोअर क्लास सोसाइटी में भी। अब कुछ याद आ रहा है, कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ हो, लाइक रिक्शे वाले से या फिर फ्रूट सेलर से, और आप बोल रहे हो कि अरे रिक्शे वाला होके इतनी जुबान जोरी कर रहा है, ऐसे कर रहा है जैसे हवाई जहाज चला रहा हो, या अपने में है क्या इतनी चौड़ किसको दिखा रहा है? कभी हुआ आपका ऐसा आर्ग्यूमेंट किसी रिक्शे वाले या ऑटो वाले से? इसी तरह से आपका कभी सामना हुआ होगा फ्रूट सेलर वाले से, क्या फ्रूट सेलर फ्रूट बेचने वाला और आप उसे बोल रहे कि भाई इतने में लगा ले, वो बोल रहे कि नहीं भैया एक ही प्राइस लगेगा, इतना लेना है तो ले वरना फिर निकल। और आप बोलो कि यार तुझे अपनी कमाई करनी भी है या नहीं, मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पैसों से उसका घर चल रहा है और उसके बावजूद भी वो अपनी छोड़ में है। यही तो है वो व्यक्तित्व, पुष्पा, नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? अपन फायर है। तो यही तो है अल्फा मेल की पहचान कि वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। ठीक है, एक बंदे ने अगर मेरा फल फ्रूट नहीं खरीदा तो क्या मेरा घर का चूल्हा नहीं जलेगा? कोई नहीं, मत ले, जा निकल। तो अल्फा मेल से आप लोगों का सामना किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे फ्रूट सेलर के रूप में, चाहे ऑटो वाले के रूप में, तो चाहे बिजनेस पर्सनालिटी के रूप में। अब अगर मैं अल्फा मेल की विशेषताओं की बात करूं तो देखो, ये कॉन्फिडेंट होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर होती है, एक बॉसी एटीट्यूड होता है, एक जबरदस्त अट्रैक्शन इनके अंदर होता है, इनका ऑरा ही कुछ ऐसा होता है। और यही एक सबसे बड़ी वजह होती है कि जो फीमेल होती हैं, मैक्सिमम फीमेल इस तरह की पर्सनालिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, अट्रैक्शन फील करती हैं। अल्फा मेल का जो डोमिनेंस बिहेवियर होता है, ये किसी भी फीमेल को सेक्सुअली अराउज करता है, और वो औरत जो कि खुद से ही चाहती है अपना कंट्रोल किसी के हाथ में देना, फिजिकली और मेंटली जो सरेंडर करना चाहती है खुद को, वो तो पूरी तरह से खुद को समर्पित कर ही देती है, तन से भी और मन से भी। लेकिन फिर वो जिंदगी भर उसका चौकीदार ही करती रहती है, क्योंकि उसके लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ही वही होता है। उसके अंदर इनसिक्योरिटीज घर कर लेती है, वो खुद को इन्फीरियर समझने लग जाती है उसके सामने, उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे तो क्या मिल गया, अब मुझे इसे संभाल के रखने की जरूरत है। जेलस एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप हो जाता है, लालटेन लेकर बस चारों ओर उसके चक्कर लगाती रहेगी, घूमती रहेगी। मतलब मान लो कि पार्टी में गए हैं तो बस उसको यही लगता है कि यार मेरा हस्बैंड किसको देख रहा है, या कौन सी औरत मेरे हस्बैंड को देख रही है, कहीं उसका अट्रैक्शन उसकी तरफ तो नहीं जा रहा है। तो उसकी जिंदगी कहानी बस उसी की चारों ओर घूमती रहती है, चक्कर काटती रहती है। अरे भाई वो अल्फा मेल है, आपकी इनसिक्योरिटीज, आपका ये पगलैट पैन, ये लालटेन लेके उसके आगे पीछे चक्कर काटना, ये उसको और उकसाएगा कुछ गलत करने के लिए, आपको धोखा देने के लिए। तो कम से कम उसको इतना फ्री रखो ताकि उसे लगे कि हाँ मेरे आजू बाजू कोई मेरे को बांध के रखने की कोशिश नहीं कर रहा। आप उसे जितना बांधोगे वो उतना भागेगा, बिकॉज ही इज अल्फा मेल, ही इज अ डोमिनेंट पर्सनालिटी। आप उसे कंट्रोल करोगे वो भागेगा। अल्फा मेल के साथ जो भी लड़की रिलेशनशिप में आती है तो वो मान के चले कि वो सुनने के लिए आई है, सुनाने के लिए नहीं। यस बॉस एटीट्यूड उसे रखना पड़ेगा। और जो लड़की उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाती है, जो अपनी नहीं चला पाती है, अल्टीमेटली बाद में उसे ब्रेकअप करना पड़ता है, साथ छोड़ना पड़ता है। और इस चीज से उस अल्फा मेल को कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, उसके अंदर ये फीलिंग कभी नहीं आती कि यार मेरी तो दुनिया लुट गई। अब अगर देखो दोस्तों की बात की जाए तो दोस्तों की इन लोगों को कमी नहीं होती, लाइन लगा के खड़े होते हैं लोग इनकी चमचागिरी करने के लिए, इनके आगे जी हजूरी करने के लिए। और जिसके बारे में इस अल्फा मेल को भी बहुत अच्छी से पता होता है कि कौन मेरी चमचागिरी कर रहा है, लेकिन ये लोग एंजॉय करते हैं इस चीज को, मजे लेते हैं कि यार स्टार ट्रीटमेंट हमें दिया जा रहा है, कोई हमारे आगे पीछे घूम रहा है, चमचागिरी कर रहा है हमारी, ना अच्छा लगता है ये चीज। अब इतना कुछ अल्फा मेल के बारे में बता दिया, अब आपको क्लियर कट एग्जांपल दे दूं अल्फा मेल का, आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे इस अल्फा मेल पर्सनालिटी से, बस नाम लेने की देर है मेरी।
जी हाँ, शायद आप सही समझ रहे हैं, सलमान खान। सलमान खान इज अ हार्ड कोर डोमिनेंट पर्सनालिटी, इज अ अल्फा मेल जो दूसरों को कंट्रोल करता है, खुद कंट्रोल नहीं होता, बॉसी एटीट्यूड रखता है, सिचुएशन को अपने हिसाब से मोल्ड करता है, सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड नहीं होता। किसी अवार्ड फंक्शन में जाए या फिर किसी टेलीविजन शो पर उसे गेस्ट के रूप में बुलाया जाए तो शो का प्रधानमंत्री वही हो जाता है। कुछ देर बाद पता लगता है होस्ट उसे वही कर रहा होता है। इंटरव्यू जब देने की बात आती है तो ऐसे देता है जैसे इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर एहसान कर रहा हो। मूड स्विंग होते रहते हैं उसके, अपने हिसाब से ही लोगों को चलाता है, खुद किसी के हिसाब से नहीं चलता। ही इज अ अल्फा मेल और ये वो पर्सनालिटी है जिसने अपने बुरे दिन भी देखे तब भी उसका एटीट्यूड कम नहीं हुआ, 3600 बार जेल गया तब भी कम नहीं हुआ उसका एटीट्यूड। ही इज अ हार्ड कोर अल्फा मेल। अब बात चाहे देखो किसी भी इंसान की हो, अगर वो अल्फा मेल पर्सनालिटी कैरी करता है तो वो चाह कर भी खुद को बदल नहीं सकता, वो नुकसान उठा लेगा उस चीज के, अपने उस व्यक्तित्व के वो नुकसान उठाने के लिए तैयार है। भले उसे कितने से बड़ा नुकसान हो रहा हो वो झेल जाएगा, लेकिन अगर उसे बदलने की बात आए तो 19 से 20 ही फर्क उसके अंदर आ सकता है। अगर वो बदलना चाहे तो इससे ज्यादा वो बदल नहीं सकता खुद को। ये मैं आपको रियल फैक्ट बता रही हूँ। अपने इस एटीट्यूड से, अपने इस बिहेवियर से वो खुद भी अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहते हैं, बदलना चाहे भी तो खुद को नहीं बदल पाते और ईगो इतनी होती है कि एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हाँ मुझे ये दिक्कत है और इससे मुझे बहुत नुकसान भी उठाने पड़े हैं। तो इस तरह का कैरेक्टर होता है ये अल्फा मेल। कैसा लगा ये वीडियो बताना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।